पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी का जो समाज है वो बड़े लंबे समय तक इस बात के लिए इंतजार में था कि हमारे जो लंबित मांगे हैं जो 75 साल से नहीं हुई हैं उसमें वो सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया और वर्गीकरण भी किया, लेकिन वर्गीकरण आयोग को लगातार समय बढ़ाया जा रहा है। इससे सारे भारत के ओबीसी समाज क्षुब्ध है और साथ ही साथ अगर संवैधानिक दर्जा दिया है ये तो मील का पत्थर है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं किया गया, उसका गठन ही नहीं किया गया, तो संवैधानिक दर्जे की नकारात्मक स्थिति से लोग क्षुब्ध हैं। तो विशेष तौर से हम इसलिए तो वर्गीकरण अवश्य चाहिए जो कि लंबी बात थी, आय की चाहत थी, लेकिन उसको भी पीछे धकेला जा रहा है। तो इस बात के लिए हम सरकार को अपनी बातों तक पहुंचाने के लिए यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सभी समस्याओं का एकमात्र हल है ओबीसी मंत्रालय का गठन। अगर ओबीसी मंत्रालय बनेगा तो जितनी भी आज तक समस्याएं हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में जाती हैं, लेकिन अगर ओबीसी मंत्रालय बनता है तो उससे सारी की सारी समस्याएं एक छत के नीचे समाप्त हो सकती हैं, ऐसी हमारी मांग है। इसी तरह से 200 पॉइंट रोस्टर जो पहले से नियुक्त था उच्च शिक्षा संस्थाओं में, सारे भारत का ओबीसी जो युवा वर्ग है हर यूनिवर्सिटी में हर उच्च संस्थान के अंदर वो परेशान है कि किस तरह से क्यों नहीं ये इस रोस्टर को लागू किया गया जो गलत कर दिया था। हालांकि इसके ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है और उससे स्टे भी मिला हुआ है हाई कोर्ट से, लेकिन सरकार इसके प्रति उदासीन है, इसके कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। हम चाह रहे हैं कि 200 पॉइंट रोस्टर को तुरंत लागू कर करके सारे भारत के शिक्षित ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने का एक रास्ता प्रशस्त किया जाए। इसी तरह से कहीं पर भी न्यायिक सेवा के अंदर ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है और ऑल इंडिया न्यायिक सर्विस अगर न्यायिक सेवा अगर भारत में लागू हो जाती है तो सभी समस्याओं एक साइड हो जाएंगी। और हमारा ये भी मानना है कि ऑल इंडिया न्यायिक सेवा को लोक सेवा संघ आयोग के माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन किया जाए ताकि उसी में नियमानुसार होने वाले जितने भी सरकार द्वारा दी जाने वाला आरक्षण है वो स्वतः ही उसमें लागू होकर के आगे आ जाए। और ऐसे ही इतने ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ओबीसी की 54%, लेकिन कहीं पर भी इस सरकार के अंदर कोई भागीदारी नहीं है, चाहे वो संगठन में है या सरकार है। तो अगर जब तक ओबीसी के लोगों की भागीदारी सरकार या संगठन में नहीं होगी तब तक इन लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। ये आगे जा कर के अपनी समस्याओं को किसको कहें कैसे कहें, अब ये एक तरह से अनाथ से हैं जब तक भागीदारी के अंदर इसका संगठन नहीं है। सर जैसे सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती फिर आप क्या करोगे? जब तक अगर सरकारें हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम लगातार अपनी मांगों के माध्यम से सरकार से आग्रह करते रहेंगे और अंततः हम सारे भारत के अंदर, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो सारे भारत में है अलग अलग स्वरूपों में, तो उनसे निवेदन करेंगे, कहेंगे कि वो जो ओबीसी की मांगों को नहीं मानता हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम चाह रहे हैं कि ओबीसी की बीजेपी के अंदर पहले कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं था और ओबीसी मोर्चे का गठन हुआ, ओबीसी मोर्चे का जब गठन हुआ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया गया तो सारे भारत के ओबीसी के अंदर एक लहर जागी, उन्होंने अपनापन महसूस किया कि अब हमारी सारी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि ओबीसी मोर्चा तो बनाया लेकिन उसका अभी तक गठन नहीं किया गया है, इस तरह से भी लोगों के अंदर निराशा है। तो हम जो सरकार की निराशात्मक स्वरूप है चाहते हैं कि वो हटे और ताकि ओबीसी के लोगों की मांगों की पूर्ति हो। धन्यवाद।